हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्स तैयारी अड्डा में। आज हम एक नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का अगला पार्ट। दोस्तों, स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में, रेलवे वगैरह के एग्जाम्स में। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं और चलिए हम आज देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही आपके लिए मैं और वीडियो भी लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे वगैरह के प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते ही रहते हैं, इसलिए इनको जरूर आप ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू बी प्रोसीड। ये एक एग्रीमेंट होता है, ये एक जो कि कोई भी दो कम्युनिकेट पार्टीज होती हैं उनके बीच में, तो उसको कहते हैं क्या है वो, प्रोटोकॉल। उसका आंसर है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज इंस्टीट्यूटेड बाय। ये एक अवार्ड है जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमान जवाहरलाल नेहरू, उनके जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर दिया जाता है। और यह दिया जाता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च, ये एक अवार्ड है जो इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट इज, फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज आंसर इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। देखिए, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एग्जाम में कि फास्फोरस किस में रखा जाता है, तो उसका आंसर होगा वाटर में रखा जाता है। और ये क्वेश्चन है कि फास्फोरस वाटर में क्यों रखा जाता है, उसका आंसर है इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, यानी कि वो बहुत जल्दी ही इग्नाइट हो जाता है, बर्न होने लगता है। नेक्स्ट इज, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एडुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो कि डील करता है किसके साथ, जो एलिमेंट्री एडुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है इसके लिए, यानी कि जो मूलभूत जो शिक्षा है वो एक तरीके का अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और वो है 86 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पन्नालाल घोष प्लेड विच इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, पन्नालाल घोष एक म्यूजिक से रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं और जो कि प्ले करते थे क्या, फ्लूट। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी में से एक हैं, फ्लूट जो बजाते हैं। नेक्स्ट इज, रियो समिट इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड्स, रियो ब्राजील में पड़ता है और वहाँ पे जो समिट हुई थी वो किसके लिए हुई थी, उसका आंसर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये उसका एक तरीके का मोटो कह सकते हैं अपन रियो समिट का। और ये वाले जो समिट हुए थे और जो क्योटो प्रोटोकॉल हुए थे, ये सब एनवायरनमेंट की एक तरीके से बचाने के लिए अपन कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज, पॉलीप्लॉइडी अराइजेज ड्यू टू चेंज इन द। दोस्तों, पॉलीप्लॉइडी एक तरीके का अपन कुछ डिजीज कह सकते हैं जो कि होता है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इज, द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच वाटर बॉडी। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, जो दोनों को अलग करता है वो वाटर बॉडी का नाम है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट इज, जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विद फेस्टिवल। वो कौन सा फेस्टिवल है जिसके साथ जल्लीकट्टू का संबंध है, और वो है पोंगल। ये जल्लीकट्टू बहुत ही एक फेमस तरीके से अपन फेस्टिवल कह सकते हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज, चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वहाबी मूवमेंट। दोस्तों, ये वहाबी मूवमेंट हुआ था वो
आज से करीब 100 साल पहले हुआ था, और इसका मेन मकसद जो था वो था टू प्योरीफाई इस्लाम, यानी कि इस्लाम का शुद्धिकरण। नेक्स्ट इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द वर्क ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि प्लांट टिश्यू जो कल्चर है उसका जो सबसे पहले काम करने का क्रेडिट है वो किसको जाता है, और उसका आंसर है हेबरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लिटरिंग ऑफ एयर बबल राइजिंग थ्रू वाटर, यानी कि जो एयर का जो बबल होता है वो चमकता है, वो उसका जो कारण है वो है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेस शटल विच टुक सुनीता विलियम्स बियॉन्ड अर्थ, यानी कि उस स्पेस शटल का नाम जो सुनीता विलियम्स को अर्थ से दूर लेके गया था उसका नाम क्या था, डिस्कवरी। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच इंस्क्रिप्शन, यानी कि सती प्रथा के लिए सबसे पहला जो रेफरेंस जिसके कह सकते हैं कि वो कौन से इंस्क्रिप्शन के ऊपर हमको उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, वो है एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। दोस्तों इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि एरन इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, वो है भानुगुप्ता से। नेक्स्ट इज सन अपीयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, यानी कि सन जो है सनराइज और सनसेट के टाइम में रेड कलर में लगता है, और उसका रीजन क्या है, वो है ऑल अदर कलर्स स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड, यानी कि लाल को छोड़कर जो बाकी कलर हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्कैटर हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। एट हिल स्टेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी हिल स्टेशन के ऊपर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर फर्क ये पड़ेगा कि लेस देन दैट एट सी लेवल, यानी कि सी लेवल से कम हो जाएगा। राइटर ऑफ काबुलीवाला, एक काबुलीवाला एक तरीके का उपन्यास अपन कह सकते हैं, और उसका राइटर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट इज द टर्म बुली इज एसोसिएटेड विद विच गेम, एक बुली जो टर्म है तो कौन से गेम में यूज किया जाता है, और वो है हॉकी। नेक्स्ट इज साइड्रोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, साइड्रोसिस एक डिजीज है जो किसके इनहेलेशन से होता है, यानी किसके शरीर के अंदर जाने से होता है, और उसका आंसर है आयरन डस्ट। नेक्स्ट इज द कैग इज क्लोजली कनेक्टेड विद विच ऑफ द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कौन सी कमेटी के साथ इसका संबंध है, वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट इज डिप्रिसिएशन इज लॉस इन वैल्यू ऑफ, यानी डिप्रिसिएशन एक टर्म है तो यूज किया जाता है किसकी लॉस के लिए, वो आंसर है मशीनरी, यानी कि मशीनरी में की जो वैल्यू कम होती जाती है साल साल दर साल टाइम के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि KMnO4 इज यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर, बिकॉज क्यों यूज करते हैं, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए। नेक्स्ट इज विच सेल्स इन पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन जो पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है वो कौन सी सेल्स होती हैं, वो होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये दोस्तों ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि इंसुलिन कहां प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना इज, एक कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर वो कैसी होती है, वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन, यानी कि अशोक जो थे तो उनकी जो इंस्क्रिप्शन थे उनमें एक तरीके लैंग्वेज कह सकते हैं जो यूज की गई थी वो थी ब्राह्मी। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मीज स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज लोकेटेड एट, यानी कि इंडियन आर्मी का स्कूल है आर्टिलरी एक तरीके वो है कहाँ पर है, देवलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुद्रा बैंक हैज बीन लॉन्च्ड टू हेल्प, यानी कि मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए एक तरीके से बनाया गया था वो कह सकते हैं, वो है
स्मॉल बिजनेस यानी छोटे जो बिजनेस है उनकी सहायता करने के लिए मुद्रा बैंक का हम यूज मतलब गवर्नमेंट यूज करती है। नेक्स्ट इज राइटर हु कॉल्ड अकबर्स दीन ए इलाही एज ए मोन्यूमेंट ऑफ हिज फॉली नोट ऑफ विजडम, यानी अकबर का जो दीन ए इलाही एक तरीके का रिलीजन जो था वो उसको उसके बारे में कहा था कि ये एक तरीके का चतुराई नहीं है, नोट ऑफ विजडम। तो ये किसने कहा था, ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने कहा था। दोस्तों इसमें ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने करी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर ने करी थी। नेक्स्ट इज ब्यूफर्ट स्केल इज यूज टू मेजर, ये एक स्केल है जो क्या नापने के लिए यूज करते हैं, उसका आंसर है विंड वेलोसिटी यानी हवा की जो गति है उसको नापने के लिए ब्यूफर्ट स्केल काम में लेते हैं। दोस्तों एनेमोमीटर भी एक स्केल है, स्केल टाइप में ही कुछ कह सकते हैं मेजरमेंट का, जो वेलोसिटी मेजर करता है हवा की। नेक्स्ट इज द कंस्टेलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज, यानी कि इंडिया में हम सप्तऋषि जो होता है तारों का जो समूह होता है उसको वेस्टर्नर्स किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं उसको बिग डिपर के नाम से। नेक्स्ट इज ब्रिज टेक्निक इज यूज्ड इन, ये एक टेक्निक है जो कौन सी गेम के अंदर यूज की जाती है, और वो आंसर है रेसलिंग, यानी कि रेसलिंग के अंदर ये वाली टेक्निक काम में ली जाती है। नेक्स्ट इज बुक कॉल्ड एज बाइबल ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म का जो बाइबल एक तरीके से कह सकते हैं उसका नाम है दास कैपिटल। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ए रेडियो एज बेसिकली ए वेरिएबल, यानी कि रेडियो में हम जानते हैं कि हम उसको बटन को घुमा के उसको ट्यूनिंग करते हैं, वो एक तरीके का बेसिकली क्या होता है कंडेंसर होता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो इसका आंसर होगा ये बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल में से एक है, उसका आंसर है अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म ऑफ ए गवर्नर, यानी कि गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 5 साल। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट स्टाइमुलेट्स हर्ट बीट इज, यानी कि जो हर्ट बीट है उसको भी स्टाइमुलेट करे, एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्यादा करे, तो उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट इज स्टेज इन विच सिल्क वर्म यील्ड्स द फाइबर, यानी कि सिल्क वर्म का एक स्टेज होता है जिसके अंदर वो फाइबर जो हमारे काम आता है वो प्रोड्यूस करता है, और वो है प्यूपा स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि कोई भी म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्वालिटी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हारमोनिक्स के ऊपर, ये थोड़ा फिजिक्स का टर्म है हारमोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर एमीटर ये सब फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग इट इन ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर हम गैल्वेनोमीटर के हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे तो वो एक वोल्टमीटर की तरह यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूटासियन ट्यूब इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ये एक ट्यूब है जो कहाँ पर होती है शरीर के अंदर, तो होती है ईयर। थैंक यू दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, तो आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।